आज एक बार फिर से भारत बंद है। 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने SC/ST एक्ट में बदलाव के विरोध में भारत बंद किया था। आज जातिगत आरक्षण के खिलाफ कुछ संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। बंद को देखते हुए देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करता है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और हिंसा न होने दें। गृह मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि अपने इलाके में हिंसा के लिए DM और SP जिम्मेदार होंगे। एहतियातन राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, UP और बिहार समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन बिहार के कई शहरों में बंद के दौरान हंगामा हो रहा है। लोग सड़कें जाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कई जगह आगजनी की खबरें भी आ रही हैं। तो बिहार में भारत बंद का काफी असर देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में सुबह से ही लोग सड़क जाम कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में भी आरक्षण के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं लोग और कई जगह इन्होंने जाम लगाया। बेगूसराय की बात करें तो वहां भी बंद का असर दिखा। दर्जनों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच गए ट्रैफिक चौक पर और NH-31 को जाम कर दिया और इसकी वजह से कई ट्रक्स और जो वाहन है वो हाईवे पर खड़े रहे। नेशनल हाईवे पर धरना देने के लिए लोग बैठ गए हैं। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को भी छात्रों ने रोकने की कोशिश की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी असर दिखा है बंद का। भिंड में भारत बंद के दौरान हिंसा की आशंका की वजह से कल शाम 6 बजे से ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। आज यहां सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। मुरैना में भी कर्फ्यू लगा है।